हम बात कर रहे हैं बच्चा, जिस टाइम पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, डेरिवेशन को एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो। हम क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल समझ में सबको आता है, जिसके ऊपर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव चार्ज है। अगर हमारे पास किसी ऐसी चीज जिसके एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो कि थ्रू आउट जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे आती है बच्चा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे आती हैं कि नहीं। फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पता है अपने को। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और यानी कि नीचे से ओरिजिनेट हो रही है, मतलब नीचे कहीं पॉजिटिव है और निकल के कहीं जा रही है, मतलब ऊपर कहीं नेगेटिव है। ये बात समझ में आई है आर्यन बच्चा, ध्यान दो। हमारे पास क्या है, नीचे से कहीं फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं और ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो जहां से फील्ड निकल रही है, मतलब यहां पॉजिटिव है, और जहां फील्ड जा रही है वो नेगेटिव है। ये फील्ड लाइंस की हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी समझी हुई है कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव की तरफ अप्रोच होती है। तो यहां पे अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देता हूं, अब अगर मैंने ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इसके अंदर रख दिया, यहां माइनस चार्ज ए पॉइंट पे और यहां प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इसको हमने कितने इनके बीच का डिस्टेंस आ गया 2a। किसी को इस चीज में परेशानी, सॉर्टेड है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर ध्यान से देखें तो यहां एंगल थीटा बन गया किसके बीच में बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में एंगल थीटा बना दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, ठीक बात है। चलो अब एक बात समझो, जिस टाइम पे अगर मैं फिलहाल थीटा में बहुत ज्यादा, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे मैं इसे यूज करने वाला हूं, फिलहाल डायपोल मूवमेंट के बारे में बात ना करते हुए सिंपल एक चीज समझते हैं। माइनस क्यू अगर नीचे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं, और प्लस क्यू अगर नीचे से फोर्स लग रही है, तो उससे रिपल्सिव फोर्स आएगी कि नहीं, ये समझ रहे हो। अगर नीचे की साइड बेटा कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव फील्ड लाइन दे रहा है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं, करेगा, और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव को रिपेल करेगा कि नहीं, इसमें किसी बच्चे को परेशानी है सोचने में, क्लियर है ये बात, कि अगर जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, एंड पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड और टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, है ना। अब एक बात बताओ बच्चा, जो ये फोर्स है, ये फोर्स किसके बराबर, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल वैल्यू क्या थी, ई, तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्यू जो ये चार्ज है, ई जो फील्ड है, ये था हमारे पास। एंड ये कहां को है, नीचे की साइड, कोई दिक्कत, डाउनवर्ड लिख लेंगे चाहे से डायरेक्शन देंगे तो। और ये जो फोर्स आई है ये कहां आएगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये कहां आएगी बच्चा, अपवर्ड साइड में। किसी को दिक्कत इसमें, ये बात समझ में आई है, पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करके ऊपर की साइड ले जाएगा, नेगेटिव को नीचे की साइड लाएगा। अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा था, अब इसको अगर कोई ऊपर धक्का मारे, समझना, इसको कोई ऊपर धक्का मारे और इसको नीचे, तो ये घूम नहीं जाएगा ऐसे करके, रोटेट करेगा कि नहीं। अगर इसको मैं एक कोई चीज ऊपर धक्का मारे और एक नीचे, तो ये रोटेट करेगा कि नहीं ऐसे, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास कभी अपोजिट फोर्सेस आती हैं किसी चीज पे, तो इनको हम क्या कहते हैं, ये कपल क्रिएट हो जाता है, कपल फोर्सेस आ गई। और अगर जब भी कपल फोर्सेस आएंगी, तो वहां पे हमेशा क्या होएगा, ये मोशन क्रिएट हो गया, जो कौन सा होता है, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन आया है तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आ गया, दैट मींस क्या आ गया, टॉर्क आ गया। ये हमारा टॉपिक है, टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखूंगा, तो वो टर्निंग इफेक्ट महसूस करेगा, वो रोटेट कर जाएगा। और वो रोटेट क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर दो फोर्सेस आई हैं, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, जो कि कपल की तरह एक्ट करेंगे, और वो कपल फोर्सेस क्या देंगी, टॉर्क। किसी को परेशानी,
सॉर्टेड है बच्चा ये वाली बात। चलो अब इसको पूरा डिराइव करते हैं आगे तक। तो हमारे पास जब हम टॉर्क की बात कर रहे हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था बच्चा, याद करो जरा। पहली बात तो हमें ये सब समझ में आ गया, हाँ जी ये समझ में आ गया, ये जो अब यहाँ पे जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि लेटेस्ट कंसीडर वाले से शुरू करें। लेटेस्ट कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्विवेलेंट ऑपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू एट बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू ए हैविंग अ डायपोल मूवमेंट पी व्हिच इज इक्वल टू क्यू टू ए इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस क्यू क्यू ई व्हिच इज इन द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। जो माइनस चार्ज पे जो है वो कहाँ है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, और प्लस चार्ज पे फोर्स कहाँ लगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सॉर्टेड है, तो पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में आई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज गिवन बाय प्लस क्यू। इन मैग्नीट्यूड F1 और F2 इक्वल है, तो ये दोनों मिलाकर क्या क्रिएट करेंगी, टॉर्क। फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग एज अ कपल व्हिच रोटेट द डायपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो हमारे पास कपल जब होता है तो वहां पे क्या आ जाता है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, है ना, या उसे आर्म ऑफ कपल कहते थे, याद है, यही था एफ क्रॉस आर होता था जो हमारा। तो यहां पे हमारे पास आर्म ऑफ कपल के लिए पहले यहां एफ लिख लेते हैं। एक काम करो, अब देखो बच्चा यहां से इन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला है ना, इन दो फोर्सेस के बीच में, इसमें और इसमें, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये ए सी है। अब यहां हमारे पास अगर एंगल थीटा था तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से थीटा वहां भी ये बन गया, बना कि नहीं। अब एसी तो एक अननोन क्वांटिटी है, मुझे पता ही नहीं है कि एसी की वैल्यू क्या है, तो मैं एक काम करता हूं पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल से एसी निकाल लो। एसी किसके निकाल की टर्म्स में निकाल लेते हैं, टू ए की टर्म्स में। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, साइन थीटा क्या आएगा बच्चा, एसी बाय टू ए। और एसी को हम क्या लिख सकते हैं, टू ए साइन थीटा। किसी को परेशानी, वैल्यू डाल दो, टॉर्क इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या थी, क्यू ई टू ए साइन थीटा। अब क्यू इंटू टू ए क्या होता है बच्चा, पी। तो ये पी ए साइन थीटा, पी क्या था हमारा, डायपोल मूवमेंट। टॉर्क इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा आ गया। किसी को परेशानी बच्चा इसमें, सॉर्टेड है, समझ में आया अच्छे से, क्लियरली नोट डाउन करो। और हम क्या कर सकते हैं, जहां पे साइन थीटा होता है तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो P क्रॉस E लिख सकता हूं कि नहीं, है ना, साइन थीटा है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें किससे मिलती है, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से हमें डायरेक्शन मिलती है। क्लियर है, ये हमारे पास टॉपिक हो गया। अब इसके स्पेशल केसेस की बात अगर करें, स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं, भाई मैं कितने एंगल पे रख रहा हूँ, थीटा में ही वेरिएशन आएंगी, तो एक बारी थीटा क्या डाल दो, जीरो डाल दो। अगर मैं थीटा को जीरो डालूंगा तो टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अगर मैं इसको एंगल को जीरो करना चाहता हूं तो उठा के मैं ऐसे रख दूं, अगर मैं इस डायपोल को स्टेडी की जगह सीधा रख दूंगा तो इसके ऊपर किसी तरह का टॉर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं आ रही, टॉर्क नहीं आ रहा, मतलब वो घूमेगा नहीं। तो जब वो घूमेगा नहीं तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रखा है। समझ में आइए, जब एंगल हमारे पास क्या रहेगा बच्चा, जिस टाइम पे हमारे पास एंगल थीटा जीरो रहेगा तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, एंड द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल किस में रहेगा बच्चा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रख दूं, 180 क्या होगा, जहां हमारा डायपोल मूवमेंट ऐसा है उसकी जगह अब नीचे की साइड आ जाए, मतलब मैं इस तरीके से रख देता हूं कि माइनस क्यू ऊपर आए, माइनस क्यू ऊपर और प्लस क्यू नीचे, तो ऐसे में डायपोल मूवमेंट नीचे को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर को है, एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। और कॉस 180 की, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, स्टिल जीरो। तो टॉर्क तो अभी भी जीरो आएगा हमारे पास, अगर जो थीटा की वैल्यू 180 होगी तो टॉर्क तो अभी भी जीरो ही आया। लेकिन इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि ये किस में आ गया बच्चे, डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब मैं उसको पूरा पूरा बीच में सीधा सीधा रख देता हूं ऐसे, क्योंकि ऐसे रखूंगा तो थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री, एंड वी नो दैट साइन थीटा दैट इज साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो टॉर्क उस टाइम पे मैक्सिमम आएगा। क्लियर बात है बच्चा,
इजी डेरिवेशन है, सिंपल है, डन, इंपॉर्टेंट बहुत है, और इसी के बेसिस पे हमारे फिर ये न्यूमेरिकल्स हैं और अटेम्प्ट करते हैं। करो ये न्यूमेरिकल्स। अब हमारा टॉपिक है बच्चा, देखो हमारे पास टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो कहानी कहाँ है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी की क्या स्टोरी होती है। अगर तुमने कभी मैग्नेट्स के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी करी हो तो तुमने देखा है कि अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, दूसरे मैग्नेट की के नॉर्थ पोल को उसकी तरफ लेके आने की कोशिश करो तो क्या होता है, हमें जोर लगाना पड़ता है, वो आता नहीं है क्योंकि वहाँ एक रिपल्सिव फोर्स है जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। ऐसा ही है ना। तो उस वर्क डन को अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा जोर लगा के मैग्नेट को यहाँ उसके पास ले ही आऊँ नॉर्थ के अगेंस्ट नॉर्थ पोल को, और मैं अब यहाँ छोड़ दूंगा तो क्या होएगा, वो एकदम से कूद के पीछे जाएगा या फिर फ्लिप करके कूद के चिपक जाएगा, यही होता है। तो उसके अंदर ये फ्लिप करके चिपकने की या पीछे भागने की एनर्जी कहाँ से आई, जो मैंने वर्क डन किया था वही हुआ ना, जो मैंने उसके अंदर वर्क डन करके उसको क्लोज लाने तक, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग सर्टेन मैग्नेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड एट दैट पॉइंट दैट वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की तो डेफिनेशन ये है ना कि पोटेंशियल आती कहाँ से, जब हम वर्क डन करते हैं उस पर, और वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है, यही रहता है अपने पास। अब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, आर्य एक्टिव रहो बच्चे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही हुई। अब इस मैग्नेट्स का एग्जांपल इसमें कहां से आया, क्योंकि देखो मैंने जैसे फ्रॉम द डे वन जब चैप्टर शुरू हुआ था मैंने क्या कहा था, न्यूमेरिकल्स या कंसेप्ट समझने के लिए हमेशा चार्जेस को मैग्नेट्स की तरह अज्यूम करके देखो, क्योंकि मैग्नेट से हमने छेड़खानी करी हुई है, हमारे हाथों में आए हुए हैं, हमने देखा हुआ है उसे प्रैक्टिकली, हम उनकी अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस को अज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। चार्जेस हाथ में नहीं पकड़े हुए शायद, और होंगे भी तो हमें दिखते नहीं है, इसलिए उसकी अजम्पशन थोड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर चार्जेस वाला ही फैक्टर लगाओ, चार्जेस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मैग्नेटिक पोल्स क्या है, नॉर्थ साउथ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम तरीके का बिहेवियर होता है। अगर अब मैं जहां मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ मैग्नेट सर्टेन मैग्नेट दैट इज यूनिट मैग्नेट फ्रॉम वन पॉइंट टू दिस एंड, तो यहां पे अब इन सबको हटा के चार्ज से रिप्लेस कर दो, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रिपल्सिव फोर्स आ रही है, तो अब यहां मैं इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस पॉजिटिव चार्ज को ला रहा हूं तो मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। अब मैं यहां लाके छोड़ूंगा तो क्या होगा, एकदम से चार्ज कूद के वापस भागेगा, उसके पास भागने की एनर्जी कहां से आई, क्योंकि मैंने वर्क डन करके यहां तक लाने में जो मैंने वर्क डन करके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी थी, वही एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर हुई है वही पोटेंशियल बाद में काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी मे बी, लेकिन वो पोटेंशियल आई क्यों, क्योंकि वो सर्टेन पोजिशन पे लाया गया था। समझ में आई ये बात। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई है। अगर अट्रैक्टिव होती तो हम फिर डेफिनेशन यही रहेगी। अब समझो जैसे अगर मैं एक चार्ज है वो ऑलरेडी अट्रैक्ट कर ही रहा है उसे, तो मैं उसे लेके आ रहा हूं, मुझे रोक के रखना है वो, अब मैं यहां छोड़ दूंगा तो ठा जाके चिपक जाएगा, तो वो अल्टीमेटली वो चिपका क्यों, वो इतनी क्लोज कहां से आया, मैंने वर्क डन किया। लेकिन हम डिफाइन करने के लिए हमेशा रिपल्सिव फोर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज, देखो पोटेंशियल का तो सिंपल, अब ग्रेविटी लगा लो ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव इन नेचर है, मैंने इस पेन को ऊपर उठाया है तो मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट किया है, तो उस अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट होने की वजह से जो वर्क डन हुआ वो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, छोड़ दिया तो वो अट्रैक्ट हो गया जाकर, तो मैं उसको दूर ले जाने की कोशिश करूंगा। तो अब जैसे तुमने कहा कि अगर चार्ज नेगेटिव हो और यहाँ पॉजिटिव फील्ड है तो मैं यहां से दूर ले जाते हुए डिफाइन करूंगा उसे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम दिस फील्ड, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाएगा वरना, तो एक सर्टेन पोजीशन पे जाएंगे वो फील्ड जैसे भी जो असर करेगी उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। अब हमारे पास क्या है, सपोज एन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायपोल मूवमेंट क्या बचा, सपोज पहले क्या करते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी इज ऑरिएंटेड एट एन एंगल थीटा
विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सेम जैसा हमने टॉर्क में किया था कि मैंने क्या किया है, अब समझना जरा हमने टॉर्क वाले में क्या समझा था बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की साइड है और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू के साथ, ये हमने अभी नोटिस किया था अगर यहाँ थीटा है तो इसके ऊपर क्या था, टॉर्क लगा था और टॉर्क का फॉर्मूला आया था पी ई साइन थीटा, जहाँ पे पी की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू टू ए, जो टू ए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द डायपोल, ऐसे ही था है ना। और ई हमारे पास क्या था, क्यू ई जो कि फोर्स लग रही थी, सॉरी बस ई था ये तो, और साइन थीटा ये था हमारे पास, ई क्या था हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, और क्यू टू ए ई साइन थीटा, क्यू टू ए को हमने पी पुट किया था। यहां तक हमने डेरिवेशन लास्ट टाइम भी अभी की थी, जो पिछली डेरिवेशन अपनी हुई थी। तो टॉर्क जब हमने निकाला था, इसका मतलब अगर मैं डायपोल को किसी फील्ड में रखूंगा तो घूम जाएगा, कैसे घूमेगा, कितना घूमेगा, क्या ये पूरा गोल घूमता रहेगा, ये तब तक घूमेगा जब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ये क्या कोशिश करेगा, ये यहां से घूम के ये यहां आके रुक जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा तो यानी कि अगर मैं उस स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली चीज को ऐसे कर दूं, मान लो अब इसको अज्यूम करके देखना मेरे साथ, अगर एक चीज ऐसे सीधे टिकी हुई है मैं उसको इधर लाऊंगा तो वो क्या करूंगा, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, और जैसे ही छोड़ूंगा टक करके फिर उधर चली जाएगी, फिर ये इधर आया फिर उधर चली गई, एग्जैक्टली जैसे स्प्रिंग के साथ होता है, स्प्रिंग को ट्विस्ट करो छोड़ते वो फिर वापस, फिर ट्विस्ट करो, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है और वो पोटेंशियल वापस उसको रिफॉर्म, अपनी जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हट रही है वो वापस से अपने ओरिजिन कॉन्फिग्रेशन में ला रही है। सेम यहाँ हो रहा है, जब मैं इसे यहाँ से सीधे सीधे से सीधा क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त इसकी क्या है, जीरो, लेकिन अगर मैंने उसके अगेंस्ट वर्क डन किया तो वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हुआ और वो एनर्जी जैसे ही मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा वो फिर उधर ले जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। तो अब जब मैंने कहा कि मैं पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा हूं तो वही जो वर्क डन मैं कर रहा हूं वही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूं, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम दैट दिस डायपोल हैज बीन मूव्ड विद द स्मॉल एंगल डी थीटा। मैंने कहा इसको बहुत थोड़े से एंगल डी थीटा के साथ मूव किया, तो उस डी थीटा के साथ मूव करने के लिए मुझे जिस टॉर्क के साथ ये घूम रहा था उसी टॉर्क के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, उसी टॉर्क के बराबर टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो मैं वर्क डन कितना करूंगा, अगर मेरे को स्मॉल वर्क डन करना है थोड़ा सा शिफ्ट करने में तो वो टॉर्क डी थीटा आएगा कि नहीं, हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेटिंग फोर्स है, मैं यहां से हल्का सा मूव करा रहा हूं तो हल्का सा मूव कराने में एंगल बदला डी थीटा और वो टॉर्क लगा सेम वही जो पीई साइन थीटा था, किसी साइड घुमा लो वो एंगल बदलता जाएगा, फिर थीटा के अंदर चेंज आता जाएगा ना, क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, उसने आना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में घूम के, तो मैं फोर्स तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अगेंस्ट लगा रहा हूँ, टॉर्क सेम वही। अब टॉर्क की वैल्यू क्या थी बच्चा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, यहाँ थीटा क्या है, वो वेरिएबल जिसके साथ वो पहले इंक्लाइंड था। अब अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो क्या करते होते, इंटीग्रेट कहाँ से, थीटा वन से थीटा टू तक, जितना एंगल पहले था वहां से शिफ्ट होके जहां तक मैं लेके जा रहा हूं, हाँ जी 180 कैसे लिखे, मैं उतना शिफ्ट ही नहीं कर रहा, तो मेरे हाथ में है ना, मैं 30 डिग्री करूं, 15 डिग्री करूं, 20 डिग्री करूं, 180 करूं, कितना करूं, तो हमें फिक्स नहीं डालना है अभी, वो तो खुद आएगा फिर वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो वो क्या करेगा, वो एंगल खुद वहां तक पहुंचेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, एंगल वो जीरो होगा, तो हम यहां जीरो टू समथिंग लेके जा सकते हैं, समझ रहे हो, जो तुम 180 चाहते हो 180 नहीं, हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें बार बार एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, अब मैंने इसे किसी एंगल पे मूव किया है तो जीरो से किसी एंगल पे लेके गया हूं। मैं जीरो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम तो समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मान लो एक डायपोल ऐसे था, मैं इसको रोटेट करके इधर ले आता हूं, अभी भी तो ये वापस वहीं जाने की कोशिश करेगा, तो किसी एंगल से किसी एंगल तक जाने की कोशिश करेगा, तो हम थीटा टू से थीटा वन से थीटा टू ये लेके चलते हैं, किसी एंगल्स को फिक्स क्यों करें, वो करेंगे स्पेशल केसेस के अंदर, समझ में आ रही है बात। तो अब इसको मैं अगर जो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा बच्चा, पी कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, माइनस कॉस थीटा,
थीटा वन से थीटा टू। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू डाल दो, पीई माइनस ऑफ कॉस थीटा टू माइनस माइनस ऑफ कॉस थीटा वन। सॉल्व हुआ, क्या हुआ, पीई कॉस थीटा टू नेगेटिव है, कॉस थीटा वन पॉजिटिव, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हमारे पास वर्क डन है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की तरह इसके अंदर स्टोर हो गया। किसी को दिक्कत, डन है, ये बात समझ में आई है। अब इसके पर्टिकुलर केसेस जो मैं अभी बात कर रहा था, क्या वो स्पेशल केसेस की तरह बात करते हैं ना, ऐसे रेंडम क्यों मैं शुरू में डाल दूँ, तो स्पेशल केसेस में पहला, जब थीटा वन जीरो था, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यहाँ था, और मैं उसको घुमा के किसी एंगल पे लेके आ रहा हूँ, तो पर्टिकुलर केसेस के अकॉर्डिंगली थीटा वन की वैल्यू जीरो डाल दो, थीटा टू को थीटा पुट कर दो, तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, पी ई कॉस थीटा वन तो हो गया जीरो, माइनस कॉस थीटा टू को कॉस थीटा लिख लिया, तो क्या आया, पी ई वन माइनस कॉस थीटा। किसी को परेशानी, डन है, या नेगेटिव कॉमन लोगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस वन, डन है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जब डायपोल परपेंडिकुलर था, मतलब अगर डायपोल ऐसे था बिल्कुल, तो मैक्सिमम टॉर्क लग रही थी, उस वक्त अगर मैं किसी एंगल पे इसे घुमाऊंगा तो इनिशियल एंगल हमारा कितना था, अगर वो परपेंडिकुलर टू, मतलब हमारे पास क्या था, जो डायपोल है वो ई के परपेंडिकुलर था, तो थीटा वन कितना था बच्चा, 90, और थीटा टू को हम थीटा मान लेते हैं, तो उस वक्त हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पी ई कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन क्या है बच्चा, कॉस थीटा वन 90 माइनस कॉस थीटा, 90 क्या होता है, जीरो, तो ये क्या निकल गया, माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाएगी। किसी को परेशानी, और मैं पी ई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट बन गया ना, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई है। दोनों आ सकते हैं। पोटेंशियल देखो है क्या ना, अगर हम जनरली बात करें, पोटेंशियल है क्या, एक्सटर्नल फील्ड एफर्ट है वो किसी इंटरनल फील्ड के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो हमेशा ही नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, वो तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वरना माइनस अगर मैं कॉमन ना लूँ यहाँ से तो वो माइनस में ही निकालो तो ज़्यादा बेटर है, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेके लिख दूँ तो ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है बच्चा मेरा, समझ रहे हो, एक फील्ड के अंदर रखे हुए डायपोल पे एक्सटर्नल एफर्ट है, तो फील्ड के अगेंस्ट होने वाला वर्क डन है, तो इसलिए वो नेगेटिव, समझ रहे हो, मैथमेटिकली मैं उसको मैनिपुलेट करके प्लस माइनस कर सकता हूँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है किसी फील्ड के अगेंस्ट। सॉर्टेड है बच्चा। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा, मैंने गलती करी थी यहाँ पे, अभी तुमने कोई किसने टोका नहीं, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर इस साइड में वेक्टर नहीं लगेगा, क्लियर है, सॉर्टेड है बच्चा। चलो इसी के बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, अटेम्प्ट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, करो फटाफट से।